हादसे पर हादसे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस ने पेट्रोलिंग कर रही यूपीडा की गाड़ी में मार दी टक्कर, दो की मौत, नहीं हो सकी पहचान। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने पेट्रोलिंग कर रही यूपीडा की गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दो लोगों की हादसे में जान ले ली गई, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। बताते चले कि प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जय सिंहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां एक एम्बुलेंस पर सवार दो लोग बिहार से गुजरात जा रहे थे। अभी एम्बुलेंस जय सिंहपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 131.500 पर पहुंची थी कि पेट्रोलिंग कर रही यूपीडा वाहन से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए और यूपीडा वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। उसमें सवार एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आ गई। तो वहीं हादसे में एम्बुलेंस में सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे दूसरे यूपीडा वाहन ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने एम्बुलेंस पर सवार दोनों लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि यूपीडा कर्मी का इलाज जारी है। मध्य रात की यूपीडा के कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाकर यातायात